संसद के विशेष सत्र को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड आया है, इस पर विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। संसद के विशेष सत्र में कर्मचारियों को नई पोशाक पहनकर जाना होगा। लोकसभा सचिवालय ने एक इंटरनल सर्कुलर जारी कर ये जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि दोनों सदनों के चैम्बर अटेंडेंट्स, ऑफिसर्स, ड्राइवर्स, मार्शल्स और सुरक्षा कर्मचारियों की ड्रेस बदली गई है। मार्शल्स अब मणिपुरी पगड़ी पहनेंगे, वहीं सुरक्षा कर्मचारी अभी तक सफारी सूट पहनते थे, लेकिन अब उन्हें सैनिकों की तरह कैमोफ्लेज ड्रेस पहनना होगा। संसद भवन के कर्मचारियों की नई ड्रेस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT ने डिजाइन किया है। इसमें बंद गले के सूट को बदला गया है। अब कर्मचारियों को मैजेंडा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहननी होगी। उनकी शर्ट का रंग भी गहरा गुलाबी है, इस पर कमल के फूल बने हुए हैं। साथ ही पैंट का रंग भी बदल कर खाकी कर दिया गया है। वहीं महिला कर्मचारियों को सफेद और हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहननी होगी। ठंड में वो इसके साथ हल्के गुलाबी रंग की जैकेट पहनेंगी। ड्रेस बदलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि ड्रेस पर कमल का फूल क्यों बनाया गया है। पार्टी ने बीजेपी पर संसद को एकतरफा और पक्षपाती बनाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस के लोकसभा व्हिप मणिकम टैगोर ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा, केवल कमल का फूल क्यों, मोर या बाघ क्यों नहीं, वो बीजेपी के चुनाव चिन्ह नहीं है, ये गिरावट क्यों सर ओम बिरला। मणिकम टैगोर ने ट्विटर यानी कि एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा, ये कितना गिर सकते हैं, G20 में भी उन्होंने ऐसा ही किया, अब भी यही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कमल राष्ट्रीय फूल है। इस तरह का कदम ठीक नहीं है। उम्मीद है कि बीजेपी इससे ऊपर उठेगी और संसद को एक तरफा पक्षपाती नहीं बनाएगी। कांग्रेस के लोकसभा व्हिप ने आगे कहा कि संसद एक पार्टी का प्रतीक बनती जा रही है, ये अफसोस की बात है। संसद सभी दलों से ऊपर है, इससे पता चलता है कि बीजेपी हर दूसरी संस्था में दखल दे रही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। संसद में कर्मचारियों की बदली गई इस ड्रेस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। क्या वाकई ये कमल का फूल संसद को एकतरफा और पक्षपाती बनाता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।